हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू अप्लाई मेकअप स्टेप बाय स्टेप एंड करेक्ट ऑर्डर में करेक्ट मेकअप कैसे अप्लाई करें। कुछ हैक्स भी शेयर करूंगी जिससे आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं दिखेगा। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मेकअप प्रोडक्ट्स विद देयर नेम्स पर। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट किया। उस वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट अ मूव ऑन। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रेप योर फेस। सबसे पहले प्रेप करना है अपने फेस को भी एंड अपने लिप्स को भी। उसके लिए आप अपने फेस को क्लेंजिंग मिल्क या फेस वॉश से क्लीन करें। फेस वॉश आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें। सेकेंड स्टेप इज अप्लाइंग टोनर। टोनर आपके पोर्स को टाइटन अप करता है, आपके स्किन का पीएच बैलेंस हेल्दी रखता है। सबसे बेस्ट टोनर है गुड वाइब्स का रोजहिप टोनर। थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई, फिर भी आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप इज लिप बाम। मेकअप अप्लाई करने से पहले आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करें लिप बाम की हेल्प से। यह आपके लिपस्टिक को अच्छा फिनिश देगा, साथ ही साथ क्रैकी होने से भी बचाता है। नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर। मेकअप की शुरुआत हमेशा एक अच्छे प्राइमर से होती है। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को हार्मफुल केमिकल से भी बचाता है। तो सबसे बेस्ट प्राइमर है मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी प्राइमर ड्यूई एंड स्मूथ। स्टेप सिक्स इज कलर करेक्टर। अगर आप एक बिगिनर है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जनरली कलर करेक्टर आपकी स्किन के डिसकलरेशन जस्ट लाइक डार्क सर्कल्स, रेडनेस, सेलोनेस, इनको बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है। स्टेप सेवन्थ इज फाउंडेशन। फाउंडेशन हमेशा स्किन टोन से मैच करने वाला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन आपकी स्किन पर मेकअप के लिए एक बेस प्रिपेयर करता है। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि स्किन टोन से प्रॉपरली मैचिंग फाउंडेशन ही लेना है, स्मॉल डॉट्स में लगाना है एंड मेक श्योर फाउंडेशन को ब्लेंड करना है वेट ब्यूटी ब्लेंडर से। स्टेप एट इज कंसीलर। अगर आपकी स्किन पर डार्क सर्कल्स, एजिंग स्पॉट्स, लार्ज पोर्स, ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन से और आप इनको छुपाना चाहते हैं तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कंसीलर आपके एक या दो टोन लाइटर होना चाहिए। स्टेप नाइन इज सेटिंग पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर। फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए आप सेटिंग पाउडर या लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। ये आपके मेकअप को एक ब्यूटीफुल फिनिश भी देता है। स्टेप टेन इज कॉन्टर। कॉन्टर आपके फीचर्स को डिफाइन करने का काम करता है। बेसिकली कॉन्टर शेडो क्रिएट करने का काम करता है। फोरहेड को अगर आपको छोटा दिखाना है तो आप फोरहेड पर अप्लाई कर सकते हैं। चिक बोन्स को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए चिक बोन्स पर लगा सकते हैं। साइड ऑफ द जॉ लाइन्स पर लगा सकते हैं जॉ लाइन्स को शार्प दिखाने के लिए। इसके अलावा भी आप नोज़ के ब्रिज पर, साइड पर लगा सकते हैं। स्टेप 11 इज ब्लशर। ब्लशर आपके चिक्स को बहुत ब्यूटीफुल दिखाता है। आप पिंक या पीच ब्लशर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 12 इज हाइलाइटर। हाइलाइटर का काम होता है आपके फेस के हाई पॉइंट्स को डिफाइन करना, ताकि जहां आपके फेस पर लाइट पड़े वह आपके फेस पर एक बढ़िया सी शाइन आ सके। बेसिकली आप इसको नोज़ के सेंटर में, चिक बोन्स पर, लिप्स के टॉप पर, जहाँ जहाँ आपको लाइट ऐड करनी है अपने फेस पर, वहाँ वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। स्टेप 13 इज आई मेकअप। तो फर्स्ट आपके पास एक अच्छा वाला आई शेडो पलेट होना चाहिए। न्यूड कलर आई शेडोज काफ़ी सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट इज आई लाइनर। मेक श्योर जब भी आप आई लाइनर लगाते हैं तो उसे पतला न लगाकर हल्का सा मोटा लगाए, इससे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आता है। नेक्स्ट इज मस्कारा। मस्कारा आपके लैशेज में वॉल्यूम ऐड करने का काम करता है। अगर आपके लैशेज बहुत ज़्यादा थीन हैं तो आप आर्टिफिशियल फॉल्स लैशेज को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आईब्रो जेल और पेंसिल। आईब्रो को प्रॉपरली सेट एंड फिल करने के लिए आप आईब्रो जेल या आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काजल। काजल आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक, वाइट या कलरफुल। स्टेप 14 इज लिपस्टिक एंड लिप लाइनर। लिप लाइनर आपके लिप्स को क्लियरली डिफाइन करता है। जो आपके लिपस्टिक की फिनिशिंग होती है वो बढ़िया आती है। देन आप फाइनली लिपस्टिक अप्लाई कर दो। मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ लिपस्टिक एंड लिप बाम पर एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट मेकअप के लिए आपके पास मेकअप स्पॉन्जर्स, मेकअप ब्रशेज ये भी ज़रूरी रहते हैं, तो इनके यूजेज पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। जो हमारा फाइनल स्टेप है मेकअप फिक्सर। सेटिंग स्प्रे की हेल्प से आप अपने मेकअप को लॉक कर सकते हैं, मेकअप को ग्लोइंग, लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।